नमस्कार दोस्तों, अभी तक के वीडियोज में हम लोगों ने अपना 10वां चैप्टर जो है लाइट पढ़ लिया है। ठीक है, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस रंग बिरंगे संसार को तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक कि हम लोगों के पास दो चीज़ें ना मौजूद हों। पहली वो चीज़ है दोस्तों, प्रकाश। आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग अंधेरे कमरे में कोई चीज़ देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से परावर्तन के पश्चात हम लोगों की आँखों में आता है तभी हम लोग उसे देख पाते हैं। तो अगर प्रकाश नहीं तो दोस्तों हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम लोगों के पास आईज नहीं है तो भी हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमारी आँखों से ही प्रकाश जो है हमारे मस्तिष्क में जाता है, जिसका प्रतिबिंब हम लोग अपने मस्तिष्क द्वारा जो है पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है हम लोगों को किसी वस्तु को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र जो हम लोगों का है, ह्यूमन आई जो है दोस्तों, ये जो है सभी ज्ञानेंद्रियों में हम लोगों के पास, जानते हैं आप लोग कि 10 ज्ञानेंद्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें से 5 बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उन महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो है हम लोगों की आँख होती है, आई होती है। ठीक है, तो हम लोग इस संसार की वस्तुओं को आँखें बंद करके केवल कुछ सीमा तक ही पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी वस्तु को अगर हम लोगों को पहचानना है तो हम लोग उसकी गंध से, उसकी स्वाद से, उसके ध्वनि से या उसको स्पर्श करके, मतलब टच करके हम लोग जो है उसको कुछ सीमा तक ही पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आँखों को बंद करके हम लोग उस वस्तु के रंग को नहीं पहचान सकते हैं। और रंग क्या, हम लोग अगर आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके हम कई एंगल को, कई कोण को जो है हम लोग देख पाते हैं, जिससे वो वस्तु तो हम लोगों को पहचानने में आसान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है मानव नेत्र के बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह है हम लोगों का मानव नेत्र। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को चित्र में बनाकर दिखाया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह से चित्र अपने एग्जाम में बनाएंगे, जिससे जो हमारे टीचर होते हैं, जो कॉपियां चेक करते हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इन सभी चीज़ों का जो है नाम लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए चित्र बनाकर लाया हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के सामने मैं बनाता तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा था, इसलिए क्योंकि आप लोग देखते कि चित्र मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक चीज़ें आपको याद हो जाती, एक एक अंग इसके जो हैं वो याद हो जाते। फिलहाल आप लोगों को टाइम ना बर्बाद हो, इसलिए मैंने इसको पहले से बना लिया है। ठीक है, तो नाम मैं यहाँ लिखूँगा जिससे आप लोगों को थोड़ी चीज़ें ज़रूर याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये जो मानव नेत्र है दोस्तों, ये लगभग गोलाकार होता है, लगभग गोल होता है, थोड़ा सा आगे जो है चेंज होता है, लेकिन इसको लगभग हम लोग गोलाकार ही मानते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे बाहरी, इसका सबसे बाहरी पार्ट जो होता है दोस्तों मानव नेत्र का, इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा कहते हैं दोस्तों, ये मानव नेत्र का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है दोस्तों, आउटर मोस्ट लेयर होता है ये। दोस्तों इस आउटर मोस्ट लेयर की क्या क्या क्वालिटी है मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको मैं जो है लिखकर ज़्यादा फिगर को बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। इस स्क्लेरा की क्वालिटी क्या होती है दोस्तों, सबसे बाहरी परत की क्वालिटी ये होती है कि ये टफ होता है, टफ मतलब कठोर होता है, जो हमारी आँख की सुरक्षा करता है। ठीक है, दूसरी बात, ये ओपेक होता है, ओपेक मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब जो अपारदर्शी होता है, मतलब प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार नहीं जा सकती हैं। ये बाहरी पार्ट, बाहरी परत का मैं जो है क्वालिटी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
इसका काम जो होता है वो टू प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा करना होता है आँख की। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों की सबसे बाहरी परत हो गई। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर तीन परतों को देख रहे होंगे, एक जो सबसे गाढ़ी वाली है, उसके बाद एक हल्का सा जो लाइनिंग करके दिख रही है, और सबसे लास्ट ये जो है ये है लेयर। ठीक है दोस्तों, तो तीनों के बारे में बता रहा हूँ। पहली लेयर स्क्लेरा है दोस्तों, दूसरी लेयर उसका नाम है दोस्तों कोरोइड। ठीक है, कोरोइड, इसको आप कोरोइड हिंदी में ही लिख सकते हैं क्योंकि अधिकतर बातें इसमें जो है इंग्लिश में ही रहेंगी, जिसको आप लोगों को अगली कक्षाओं में पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं चाहे कोरोइड लिखूं या ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कोरोइड जो होती है दोस्तों, ये लेयर जो है, दूसरी लेयर जो है, ये ब्लैक टिश्यू से मिलकर बनी होती है, काले ऊतक से मिलकर बनी होती है दोस्तों। इसका भी जो है गुण ये होता है कि ये भी नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अपारदर्शी होता है। ठीक है दोस्तों, और थर्ड लेयर जो होती है हम लोगों के आँख की दोस्तों, सबसे तीसरी जो है आंतरिक लेयर जो है, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है, रेटिना दोस्तों, ये रेटिना जो होती है इसको हम लोग हिंदी में दृक पटल भी कहते हैं। ठीक है, दृक पटल जो ये रेटिना है, देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ। ठीक है, ये रेटिना है दोस्तों। लेंस जो हम लोगों का होता है, मानव नेत्र का जो लेंस होता है, ये प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब जो है इसी लेयर पर बनाता है, जिसको हमारा मस्तिष्क जो है पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई दृक पटल। ठीक है दोस्तों, इस आंतरिक हिस्से में, मानव नेत्र के आंतरिक हिस्से में एक द्रव भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कचाभ द्रव कहते हैं और इंग्लिश में बिटेरस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिटेरस ह्यूमर कचाभ द्रव। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों तंत्रिकाएं होती हैं मानव नेत्र की। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, दृक तंत्रिकाएं। ठीक है, दृक तंत्रिकाएं। ठीक है दोस्तों, इसका काम ये होता है दोस्तों कि ये मैसेज को या प्रतिबिंब जो यहाँ पर बनता है इसको मस्तिष्क तक पहुँचाना होता है। दृक तंत्रिकाओं का काम जो है दोस्तों ये, हम लोगों का दोस्तों मानव नेत्र का ये लेंस होता है जिसको हम लोग मस्तिष्क तक मैसेज को पहुँचाना होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस आगे वाले हिस्से में जो द्रव भरा होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में नेत्रोद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेत्रोद भी इसको हम लोग कहते हैं, एक्वस ह्यूमर को। और ये जो बाहरी आउटर मोस्ट लेयर है दोस्तों, जो हम लोगों के आँख के ठीक सामने होता है, जहाँ से प्रकाश की किरणें जो हैं मानव नेत्र में इंटर करती हैं, मतलब प्रवेश करती हैं, किस क्रिया द्वारा? अपवर्तन द्वारा। ठीक है, प्रकाश की किरणें मानव नेत्र में जिस माध्यम से प्रवेश करती हैं अपवर्तन के द्वारा, इस लेयर को हम लोग दोस्तों बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कार्निया या स्वच्छ मंडल। ठीक है, स्वच्छ मंडल इसको बोलते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये जो लेयर है ये पूरा। ठीक है दोस्तों, ये शीशे के तरीके का बिल्कुल जो है पारदर्शी होता है, चमकदार होता है, जो हम लोगों के आँखों की जो है ओपन हिस्से, खुले हिस्से की जो है सुरक्षा करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है जहाँ से लेंस में प्रकाश इंटर करता है, जहाँ से प्रकाश जो है लेंस में प्रवेश करता है दोस्तों, ये जो काला वाला हिस्सा है जिसको मैंने दिखाया है, ये यही चीज है। ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है,
प्यूपिल, जिसको हिंदी में हम लोग पुतली भी कहते हैं, ठीक है, पुतली कहते हैं, यही दोस्तों हम लोगों की आँखों में जो है ये निश्चित करता है कि आँखों में कितना प्रकाश जाना है, ठीक है, कितनी मात्रा में प्रकाश जाना है, ठीक है दोस्तों। और इस काले वाले हिस्से के ऊपर एक भाग होता है जो कंट्रोल करता है कि हमारे काले वाले भाग पुतली का साइज कितना रखना है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज़ हमारी पुतली के साइज को कंट्रोल करती उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आयरिश, ठीक है, या इसको हम लोग हिंदी में परितारिका भी बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये एक हम लोगों के दूसरे लेयर का एक हिस्सा है दोस्तों, आँख की आउटर सेकेंड लेयर का हिस्सा है, जिसको हम लोग सिलेरी बॉडी कहते हैं, पचमा भी कहते हैं, ठीक है, सिलेरी बॉडी कहते हैं जिसको, पचमा भी जिसको हम लोग कहते हैं। और सिलेरी बॉडी के ठीक नीचे पेशियां होती हैं पतली पतली दोस्तों, ये जो जिसको मैंने गाढ़े रंग से दिखाया है, जो लेंस को पकड़ कर रखा है इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ, इन पेशियों को दोस्तों हम लोग कहते हैं सिलेरी मसल्स, ठीक है, पचमा भी पेशियां, ठीक है, सिलेरी मसल्स कहते हैं। और ये जो हम लोगों के आँख के बाहरी हिस्से पर जो है, जो मछलियों के पंख के जैसा बना है हिस्सा दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टस मसल्स। जो रेक्टस मसल्स है दोस्तों, ये हमारी आँख को जो है हमारे शरीर से होल्ड करके रखता है, पकड़ कर रखता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टस मसल्स, ठीक है। रेक्टस मसल्स, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसके सारे भागों को जो है समझ लिया होगा, किसका नाम क्या होता है और किसका काम क्या होता है। अब थोड़ा हम लोग जो है इसको गहराई से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारी आँख में ये जो जो आयरिस होता है दोस्तों, आयरिस जो होता है, जो परितारिका होती है, इसका काम होता है कि ये हमारी प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करे, और प्यूपिल का काम होता है कि ये हमारी आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करे, ठीक है। दोस्तों हम लोगों की आँखों का जो कलर होता है, कलर जो होता है, किसी की आँख जो है नीले कलर की होती है, किसी की आँख जो है भूरे कलर की होती है, ब्राउन कलर की, किसी की आँख जो है काले कलर की होती है। तो दोस्तों ये जो एक्चुअल में कलर होता है, ये हम लोगों की आयरिस का कलर होता है, ठीक है, आयरिस का कलर होता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो हम लोगों की प्यूपिल होती है, पुतली होती है, प्यूपिल जो होती है दोस्तों, इसका कलर हमेशा जो है ब्लैक ही होता है, ठीक है, इसका एक ही कलर होता है दोस्तों, इसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने ऐसा कभी कभी देखा होगा, अगर आप लोग किसी अंधेरे कमरे में से अचानक से उजाले में जाते हैं, या मान लीजिए सिनेमा हॉल में से आप लोग उजाले में जाते हैं, तो अचानक से हम लोगों की आंखों में जलन होने लगता है, ठीक है, या इसका वॉइस वर्षा, मतलब इसका उल्टा, अगर आप लोग किसी उजाले या बाहर से जो है अचानक जो है सिनेमा हॉल में जाते हैं या किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो आप लोगों को कुछ भी थोड़ी देर तक दिखाई नहीं देता है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि जो हम लोगों की आयरिस होती है, ये हमारी प्यूपिल मतलब पुतली के साइज को आवश्यकता अनुसार कंट्रोल करता है। अगर हम लोग अंधेरे कमरे में रहते हैं दोस्तों, अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में, अंधेरे कमरे में या सिनेमा हॉल में होते हैं, तो दोस्तों हम लोगों की आंखों में जो है अधिक प्रकाश जाने की जरूरत होती है, अधिक मात्रा में प्रकाश जाने की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये जो हम लोगों की आयरिस होती है, ये जो है संकुचित होके, मतलब सिकुड़ कर जो है, और प्यूपिल की साइज को जो है बड़ा कर देती है, ठीक है, मतलब ये एक लेयर की तरीके से यहाँ देख सकते होंगे, ये जो है ये हिस्सा जो है हम लोगों की प्यूपिल के ऊपर जो है होता है, तो ये जब सिकुड़ कर जो है सिकुड़ जाती है ये आयरिस जो है, तो हम लोगों का प्यूपिल जो है अधिक खुल जाता है, ठीक है दोस्तों।
तो हम लोगों के आंख में जो है अधिक मात्रा में प्रकाश जाता है, जिसकी वजह से हम लोग वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। मतलब अंधेरे कमरे में प्यूपिल का साइज जो है बड़ा हो जाता है। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? आयरिस के द्वारा। मतलब आयरिस जो है संकुचित हो जाती है या सिकुड़ जाती है, जिससे अधिक प्रकाश जाता है और हम लोग वस्तुओं को देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम लोग उजाले में होते हैं, लाइट में, ठीक है, तो हम लोगों की आंखों में कम प्रकाश अगर जाता है तो भी काम चल जाता है, ठीक है, तो भी हम लोग वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम लोगों का आयरिस जो होता है दोस्तों, परितारिका जो होती है, ठीक है, परितारिका जो होती है ये जो है फैल जाती है, ठीक है, एक्सपेंड हो जाती है और पुतली को मतलब प्यूपिल को ढक लेती है, ठीक है, जिससे कम मात्रा में प्रकाश जाता है, ठीक है दोस्तों। और हम लोगों को अंधेरे से उजाले में जाने में, ठीक है, हम लोगों की आंखों में जलन होता है, या उजाले से अंधेरे में जाने पर जो है हम लोगों को चीज़ें दिखाई इसलिए अचानक से नहीं देती हैं, क्योंकि दोस्तों ये आयरिस जो होता है इसको सिकुड़ने में या फैलने में, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जो है हम लोग अचानक से वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं या हम लोगों की आंखों में जलन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है काम होता है ये आयरिस का होता है, और हम लोगों की आंखों का कलर जो होता है वो भी आयरिस की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। और प्यूपिल का कलर हमेशा जो है ब्लैक होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे दोस्तों। और इस कंप्लीट आई जो है जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसके पूरे हिस्से पर एक पारदर्शी जो है ग्लास टाइप का लगा होता है, जिसको हम लोग कार्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो दोस्तों ये स्वच्छ मंडल या कार्निया जो होता है ये सभी जो है पूरे जो है लेयर के ऊपर होता है, हम लोगों की आंखों के खुले वाले हिस्से पर, जो चमकता है, ठीक है, पारदर्शी होता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आप लोग जो है आँख के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है यहाँ से आइए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बात और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने आप लोगों को जो है लेंस का दो साइज दिखाया है, ठीक है। एक चीज छूट गया जिसे मैं बता रहा हूँ, जो आप लोगों की सिलेरी मसल्स, ठीक है, सिलेरी मसल्स का काम जो है मैंने नहीं बताया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सिलेरी मसल्स का काम होता है, सिलेरी मसल्स का काम होता है दोस्तों, ये जो सिलेरी मसल्स हैं इनका काम होता है लेंस की फोकस दूरी को कंट्रोल करना, ठीक है, फोकस दूरी को कम करना या ज़्यादा करना। तो दोस्तों फोकस दूरी किसी लेंस की कम ज़्यादा कैसे होती है? जब उस लेंस की गोलाई जो है कम या ज़्यादा होती है। गोलाई का मतलब जो है ये दोस्तों, ठीक है, जैसे ये लेंस जो है इसकी गोलाई कम है और इसकी गोलाई जो है अधिक है, ठीक है। गोलाई का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जिन दो कांच के खोखले गोलों से ये बना हुआ है, देखिए वो गोले जो हैं वो बड़े साइज के रहे होंगे, ठीक है, मतलब इनका सेंटर जो है बड़ा रहा होगा, ठीक है, मतलब इनका साइज, इन दो गोलों का साइज जो है बड़ा रहा होगा। और ये जो मोटा लेंस है जिसकी फोकस दूरी कम है, अभी मैं बताता हूँ फोकस दूरी कैसे कम होती है या अधिक होती है, ये जो है दो छोटे गोलों से बना रहा होगा दोस्तों। छोटे गोलों का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसकी त्रिज्या जो है कम रही होगी, ठीक है, इन गोलों की त्रिज्या कम रही होगी और इन गोलों की त्रिज्या जो है बड़ी रही होगी। तो दोस्तों जो इस सर्किल का सेंटर होता है इसको हम लोग जो है वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र का आधा जो होता है वो हम लोगों का जो है फोकस बिंदु होता है या फोकस दूरी होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की आधी जो है फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों अगर किसी भी गोले की वक्रता त्रिज्या जो है बड़ी है तो उसकी फोकस दूरी भी बड़ी होगी। अगर किसी गोले की वक्रता त्रिज्या छोटी है दोस्तों तो उस गोले का जो है फोकस दूरी भी कम होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है जो लेंस मोटा होता है इसका मतलब उसका जो है उसकी गोलाई अधिक होती है,
ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी, मोटे लेंस की फोकस दूरी जो होती है कम होती है, और जो पतला लेंस होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सिलेरी मसल्स का काम ये होता है कि वो लेंस को जो है कंप्रेस करे और इलोंगेट करे, ठीक है, उसको दबाए और संकुचित करे और उसको जो है फैलाए। ठीक है, हमारे सिलेरी मसल्स का काम यह होता है। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, देखिए हम लोगों के लेंस द्वारा जो है ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का आँख है, यहाँ से प्रकाश आ रही है। अब मैं थोड़ा रफ फिगर बनाऊंगा, तो ये लेंस है, तो हम लोगों को सही तरीके से किसी वस्तु को देखने के लिए हर केस में, चाहे वस्तु दूर हो, ठीक है, और चाहे वस्तु जो है नज़दीक हो, ठीक है, हम लोगों को हर केस में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाना होता है दोस्तों, आँख की रेटिना पर बनाना होता है। ठीक है, आँख की रेटिना पर बनाना होता है, तभी हम लोग वस्तु को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग वस्तु को अच्छे तरीके से देख रहे हैं हर केस में, अगर जो है चाहे दूर की वस्तु हो चाहे नज़दीक की वस्तु हो, अगर हर केस में हम लोग अच्छे से देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों की आँखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, हम लोगों की आंखों द्वारा हर केस में जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम लोग दूर की वस्तुओं देखते हैं तब भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनना चाहिए, और जब हम लोग नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तब भी उसका प्रतिबिंब लेंस द्वारा रेटिना पर ही बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के भौतिक जीवन में जो लेंस मिलते हैं दोस्तों, जो प्लास्टिक के जो है फाइबर के जो लेंस मिलते हैं, वो तो ठोस होते हैं, ठीक है, तो वो तो मोटे पतले हो नहीं सकते, घटाए बढ़ाए नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनकी फोकस दूरी जो होती है वो फिक्स होती है, वो फिक्स होती है। ठीक है, तो उसके लिए हर केस में जो है प्रतिबिंब की दूरी भी अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी जो है फिक्स रहती है, तो वस्तु जितनी दूरी पर होगा उसी हिसाब से उसका प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोगों की आंखों में हर केस में प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाना होता है, इसलिए दोस्तों इसकी फोकस दूरी को जो है हम लोगों की पश्चमाभि पेशियां जो होती हैं, सिलेरी मसल्स होती हैं, जो इसकी फोकस दूरी को जो है कंट्रोल करती हैं, जिससे प्रतिबिंब हर केस में रेटिना पर बने। और फोकस दूरी को कंट्रोल करने के लिए जो है दोस्तों लेंस के साइज को जो है मोटा पतला करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका काम जो है सिलेरी मसल्स ही करती हैं, पश्चमाभि पेशियां ही करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को पश्चमाभि पेशियों का काम जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जो आँख होती है हम लोगों की, मानव नेत्र जो होता है, इसका गोलक जो है, मतलब इसका सर्किल जो है, इसका व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, इसका व्यास जो होता है दोस्तों वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे, 2.3 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।